मैक्सवेल इक्वेशंस, तो मैक्सवेल इक्वेशन सारी जानी पहचानी है बेटा आपकी, बट इन चारों को मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब भी शुरू करेंगे इंजीनियरिंग में, तो फिर आप क्या इन चारों इक्वेशंस को पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन आपका फॉर्म दूसरा होगा पढ़ने का, क्योंकि पहले आपको मैथ में डाइवर्जेंस कर्ल ये बहुत सारा सिखाया जाए, तो आप डाइवर्जेंस और कर्ल की फॉर्म में ये चारों इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। बट क्योंकि अभी हमें डाइवर्जेंस और कर्ल नहीं आते हैं, तो इसलिए अभी हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल फॉर्म में जितना आता है हमको, उसके अकॉर्डिंग हम इन चारों इक्वेशंस को ध्यान रखेंगे। इन चार इक्वेशंस में पूरी बुक है आपकी पहली, ये समझ लो, ठीक है ना। या ये बोला जाता है कि इन चारों इक्वेशंस में पूरा आपका मैग्नेटिज्म है, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। हेलो, हाँ हाँ गुड आफ्टरनून चंदन, बताओ। हाँ पढ़ाएंगे, बट अभी आप ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो पढ़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं पढ़ोगे? हाँ नहीं, स्टार्ट नहीं, खत्म होने वाला है। चलो अब आप आओ या तो, ठीक है नहीं, अगली कल से आना, कल से ज्योमेट्री कल ऑप्टिक शुरू, ठीक है बेटा। चलो अभी तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो देखो आपकी पहली इक्वेशन गॉस लॉ है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ है। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म भी पता है, आप सब देख चुके हैं, कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जो आपने ना देखी, ठीक है। बट ध्यान रखो, दो जो पहली इक्वेशन है वो सरफेस इंटीग्रल्स की फॉर्म में है, बाकी दोनों आपकी क्या है, लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में। किसी को ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन के क्वेश्चन ना किए उसने या इक्वेशन ना पढ़ी हो, बताओ कुछ ऐसा लग रहा है किसी को, या सबको बहुत जानी पहचानी इक्वेशंस लग रही हैं सारी? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन है, ये ध्यान नहीं आती कई बार, पता नहीं क्या है, ठीक है। बट ये आपने पढ़ रखी है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालने का मेथड यही है, ठीक है। और ये आपने कंप्लीट फॉर्म एम्पियर्स लॉ की, जिसे एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो बस ये क्या कहलाती है, मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म कहलाती है, ठीक है। कभी कोई पूछ ले आपसे बोर्ड में चारों इक्वेशन लिख के बताओ, तो ऐसे लिख के बता देना उसको, ठीक है। आपको ध्यान आने चाहिए चारों की, चारों लॉज आपने पढ़े हैं, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन चारों इक्वेशंस में है, ठीक है ना। पूरा की पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन चार इक्वेशन से बिल्कुल हर तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है। फिर इसी बेसिस पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इन्हीं इक्वेशन से डिराइव है बेटा, बट अपन ये निकाल नहीं सकते। इनसे ये भी प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोपेगेशन सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बट हमें एक तो ये इक्वेशन ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पता है, डाइवर्जेंस और कर्ल की फॉर्म में, और फिर हमें इतनी मैथ्स नहीं आती, नहीं तो सारा इसी इक्वेशन से निकल गया है, जो भी मैं आपको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है, वो सारा इन्हीं चार इक्वेशन से एक्सप्लेन है, ठीक है। तो देखिए हमको केवल प्रॉपर्टी ध्यान रखनी, वो नहीं भूलनी है किसको, सबसे पहली बात आपको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स की क्या प्रॉपर्टी है, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, बट इसमें कोई मीडियम के पार्टिकल्स नहीं है जो ऑसिलेट कर, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, साइनोसाइडल वेरिएशन है किसी भी स्पेस के पॉइंट पर, फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें जो किसी भी पॉइंट पर ई वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है, और दोनों की दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी के भी परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं, ठीक है। उस तरीके से ये तीनों की तीनों डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी नहीं भूलना है कि आपको पूछे ये चार चार ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सा सही रिप्रेजेंट कर रहा है, ई वेक्टर, बी वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, तो हमेशा ध्यान रखो बेटा डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी जिस डायरेक्शन में एनर्जी चल रही है, या डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव कह सकते हैं केवल, या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब वेव के चलने की डायरेक्शन, ठीक है, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी, दैट विल ऑलवेज बी अलोंग ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को,
ठीक है ना, कि मान लो जेड एक्सेस में अगर आपकी वेव चल रही है, तो जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक्स हो सकता होगा, बी वाई होगा, उल्टा नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता, इतना क्लियर है? क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी किस में आएगी, हमेशा ई वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर होगी, तो ये डॉट है, सॉरी बी वैक्टर बाहर की तरफ है, देख रहे हैं आप इस चीज को सब लोग, ये ई वैक्टर हो गया, तो ये आपका डॉट क्या हो जाएगा, बी वैक्टर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डॉट आपका बी वेक्टर है, तो आप फिंगर्स कर्ल करो तो सबको पता है कि आपको क्या डायरेक्शन मिलेगी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, तो वेव इधर ही चल रही है, ठीक है? तो ये आपकी वेव जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइनोसाइडल वेरिएशन है दोनों का, और ये जो जेड एक्सेस के पैरेलल है, ठीक है ना, जेड एक्सेस के पैरेलल इसको प्लेन पर इस तरीके से दिखा दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, याद हो जानी चाहिए बेटा एकदम, कभी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी कार्य करते हैं अपन किस तरह के आए हुए हैं इस साल भी जुलाई में, उससे पहले भी, ठीक है? तो आपको बहुत फेयर आइडिया लग जाएगा इस चैप्टर का, गलती होने की संभावना एकदम खत्म, हो ही नहीं सकता क्वेश्चन गलत हो, ठीक है? कहीं भी बोर्ड में हो चाहे से फिर मेंस में, एडवांस में नहीं आता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये कभी भी एडवांस में ऐसी कोई चीज आपसे नहीं पूछेगा। तो डायरेक्शन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी विल बी अलोंग ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टैंडर्ड डायग्राम है जो हर जगह बना होता है, ठीक है? ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमेशा ध्यान रखो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन हमेशा अलोंग होगी आपकी जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, ठीक है? तो ये दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी पे मैं आ रहा हूँ, कि आपका किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम फेज में होता है बेटा, भूलना मत इस चीज, ठीक है ना? किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में होते हैं, जैसे देखो ये आपको इतनी वेव आती है, अभी कोई वेव का हार्ड कोर यूज नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन है जो इस बार आ गया है, जो मैंने आपको बोला भी था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कभी ना कभी जरूर आए, जब मैंने आपको याद हो 11th में पढ़ाया था, और ये भी कहा होगा मेंस के एग्जाम में, ठीक है ना? और मैंने आपको वो भी बताया था रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखना जबकि आपकी वेव की जो बाउंड्री है वो एक्स इक्वल टू जीरो ना हो, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन भी इस बार जुलाई अटेम्प्ट में, ठीक है? एग्जैक्टली वो क्वेश्चन भी आपका जुलाई अटेम्प्ट के अंदर आ गया है, तो हम देखेंगे उस प्रॉब्लम को, ठीक है? अभी होगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर अगली बार देखेंगे, मैंने याद नहीं है मैंने किस में रखा था, बट सेम प्रॉब्लम आया। अगर आपको वो पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन पूछ ली, उसने मैकेनिकल वेव्स ना पूछ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पूछ ली, ठीक है? तो उसमें क्या, अगर वहां आती है तो ही आप इसमें भी कर पाएंगे, तो वो बिल्कुल आ गया इस बार, ठीक है? तो मुझे लगता ही था कभी ना कभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव जो आपको पढ़ाया गया था, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन दो केसेस में लिखना सिखाया गया था। है क्या कोई, किसी को याद हो गई गलती से, रिफ्लेक्टेड वेव में एक तो बाउंड्री जब एक्स इक्वल टू जीरो है, जब बाउंड्री एक्स इक्वल टू जीरो नहीं, ठीक है? याद है किसी को, 11th का जो कोई बच्चा, इसको ध्यान हो कि मैकेनिकल वेव्स में ऐसा कुछ करा गया था, F(t-x/v)? हाँ सर, याद है यस ना? सर, एक्स को माइनस एक्स से कर सकते हैं और प्लस पाई कर दो अगर बाउंड्री एक्स इक्वल टू जीरो, बट इस बार क्वेश्चन आया उसमें बाउंड्री एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, तो मैं वहां पर 11th का वो क्वेश्चन भी मैं कंबाइन करूंगा जो वहां पे करा था, ठीक है ना? वही पार्ट यूज हो रहा है मैकेनिकल वेव्स का 11th का, बाकी कोई ऐसा यूज नहीं, ठीक है ना? इतना सबने पढ़ रखा है कि ये वेव पॉजिटिव जेड की तरफ चल रही है, अगर यहाँ पर प्लस कर दूंगा तो ये नेगेटिव जेड की तरफ चले, ठीक है? इतना सबने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैकेनिकल वेव्स पढ़ेंगे तो अपने आप आए, ठीक है? मैकेनिकल वेव्स पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो देखो आपका ई एक्स है ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, तो जो सी की वैल्यू वो क्या आएगी, ई नॉट बाई बी नॉट कह दो, या ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस कह दो, ठीक है? या फिर ई बाई बी पर, हर इंस्टेंट पर भी वैलिड होता है बेटा, सी इज इक्वल टू ई बाई बी, ठीक है ना? किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो दैट विल बी इक्वल टू, ये मैंने दे जाता है, अगली थोड़ा आगे आ जाएगा, लेकिन आप अभी ध्यान कर लो, तीनों का रेशियो कह दो ये हमेशा किसके बराबर है, लाइट की स्पीड के बराबर है, वहां पर जहाँ भी ये चल रही है ना वेव, ठीक है? वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है, एक तो ये ध्यान रखोगे बिल्कुल याद होना चाहिए, और एक ये एक्सप्रेशन कभी नहीं भूलना है कि वैक्यूम में सी क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट,
और किसी भी जनरल मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या लिखी जा सकती है, या एस सी वर्मा ने प्रूव कर रखे हैं बट कोई काम के नहीं, किसी भी तरह से आपसे नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। तो इसलिए प्रूफ का कोई मीनिंग नहीं है इसमें। बी इज इक्वल टू क्या है अपना, 1/√μ/ε। अभी याद रखो आप बच्चे से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तीसरी प्रॉपर्टी में ये आया है कि रेश तो सेम फेज में है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देख लो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, साइन जैसा इसके आगे वैसा ही साइन उसके। हाँ हार्दिक, मैंने पहले भी बताया था आपको, कहीं यूज हुआ होगा बट अब भी याद रखेंगे, किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है 1/√μ/ε। वैक्यूम में क्या हो जाएगा, μ0εo, ठीक है। तो 3×10⁸ इज इक्वल टू 1/√μ0εo, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टीज हैं, तो तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी मिस करने का चांस आप नहीं ले सकते हैं, कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। हमेशा रट लो बेटा, जो लोग आप कबीर ये नहीं पढ़ेंगे, सीधे एग्जाम देने जाएंगे मीन्स में, एटलीस्ट वो एक क्वेश्चन कर पाए तो इसलिए याद करो, ठीक है। कि आपके जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी हमेशा किसके अलॉन्ग होती है, ई वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर के अलॉन्ग होती है, ध्यान रखना। और अभी आए क्वेश्चन कराते हैं जुलाई में, तो कितने क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। हर पेपर में ऑलमोस्ट पाया गया इस तरह का एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, हर बार मिल जाते हैं, काफी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो पहला पार्ट था वो अपन ने खत्म कर लिया, मैक्सवेल इक्वेशन से पहले वाले पार्ट को आप पार्ट वन कह सकते हैं एक तरह से, जिसमें आपने डिस्प्लेसमेंट करंट सारा पढ़ा, ठीक है ना। और अब ये आपका एक तरह से पार्ट टू है, ठीक है, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, एक तो प्रॉपर्टीज पढ़ लिया आपने, वेरी गुड, ठीक है, सबको आ गई है बात समझ में, क्लियर है कि दोनों एक तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, स्टैंडर्ड डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, तो कोई मीडियम के पार्टिकल के ऑसिलेशन नहीं है, ये ऐसी वेव्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज एट एनी पॉइंट साइनोसॉइडली ऑसिलेट करती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो वेव दो तरह की होती है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो आपको 11th में बताया था, एक होती है इलास्टिक वेव्स और दूसरी होती है आपकी, एक होती है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स है इलास्टिक वेव्स, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैकेनिकल वेव्स जो 11th के चैप्टर का नेम था, उसमें हमेशा आपने मीडियम की रिक्वायर्ड, जिसमें मीडियम बिना मीडियम के नहीं चल सकती, ऐसी वेव्स पढ़ी थी आप, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव्स मेन टारगेट थे उस चैप्टर का, ठीक है। ये वाली वेव्स कौन सी हैं जिसमें कि आपको मीडियम की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो इक्वेशन लिखना सीख गए बेटा, पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन कैसी होती है, तो कोई सी भी इक्वेशन इलेक्ट्रिक वेव को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आप चाहे से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सप्रेस कर दो, चाहे से आप उसको मैग्नेटिक फील्ड से एक्सप्रेस कर दो, क्योंकि सी इक्वल टू ई बाई बी से दूसरा निकल आएगा, एक पता है। डायरेक्शन आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी गई है कि ई क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आनी चाहिए, आपसे पूछे तीन डायरेक्शन शो कर रखी है, कौन सा पॉस सही डायग्राम, तो वही सही होगा जिसमें ई क्रॉस बी किधर पॉइंट कर रहा होगा, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैं कर देता के जेड प्लस ओमेगा टी मान, तो वेव किधर चलती, इस डायरेक्शन में चलती, ठीक है। तो फिर आपको ई और बी भी इंटरचेंज करने पड़ते, अगर मान लो यहाँ पर प्लस ओमेगा, हाँ बताओ कुछ कह रहा है अरियन साहब, मुझे नहीं आता ये कोई बात नहीं, मैकेनिकल वेव्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर के जेड प्लस ओमेगा टी का मतलब है कि आपकी वेव किधर चल रही है, माइनस जेड की तरफ चल रही है, ठीक है। के जेड प्लस ओमेगा टी का मतलब क्या है कि आपकी वेव माइनस, तो फिर आपके ई वैक्टर और बी वैक्टर इंटरचेंज हुए, तो अभी यह याद रखो अरियन, आपकी अगर माइनस साइन होता है बीच में तो प्लस जेड की तरफ वेव चलती, अगर यही साइन पॉजिटिव हो जाता ना बीच में, अगर ये कुछ भी हो ओमेगा टी माइनस के जेड या के जेड माइनस ओमेगा टी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये साइन अगर बीच में प्लस हो गया तो उसका मतलब है वेव किधर चल रही है, माइनस जेड डायरेक्शन में चल रही है। तब सिंपल डेरिवेशन है, तो मैकेनिकल वेव्स करेंगे तब आपको आ जाएंगे, ठीक है, तब आपको आ जाएंगे, अभी बिना करे नहीं आएंगे, वो इतना भी आसान नहीं है, एक बार तो ढंग से पढ़ना ही पड़ता है बेटा, तभी चीज आती है, जिसने पढ़ रखा है उसको एकदम क्लियर होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्लस पर ओपोजिट चलती है और माइनस पर प्लस जेड की तरफ, निकाला था हमने एकदम बेसिक से निकाला, ठीक है। चलिए तो इतनी बात हो गई, आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आने वाला पार्ट, सारा ही आने वाला पार्ट हो गया, ये क्रूशियल टॉपिक हो गया, कोई पढ़ता नहीं, जो पढ़ता है वो नंबर लाता है, ठीक है।